नमस्कार दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है ममिता सहनी कुकिंग चैनल में। तो आज फिर से हम नए रेसिपी के साथ आए हुए हैं। वीडियो का अंत तक पूरा आप लोग बने रहिएगा, वीडियो कहीं भी बीच में छोड़ के मत जाइएगा। जैसे मेरे वीडियो आप लोग के अच्छी लगती होंगी तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अपना प्यारा प्यारा हाथों से हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये नए रेसिपी हम क्या बनाने वाले हैं आज बता देते हैं। तेल ले लिए हैं पूरा 1 कप के करीब हम अरवा चावल। देखिए बारीक वाला पूरा चावल है, बासमती चावल। तो इसको हम धो लिए हैं एक कप लेकर। तो ये देखिए धो लिए हैं इसको। थोड़ा सा इसको हम 5-6 मिनट के लिए फूलने के लिए रख दिए थे। तो ये देखिए कितना बढ़िया फूल गया है। अब इसको हम क्या बनाएंगे बता देते हैं आपको। हम ये दूधिया मिठाई बनाएंगे चावल से। तो आइए इसको हम बनाते हैं। आप लोग पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी मालूम पड़ेगा कि दूधिया मिठाई हम कैसे बना रहे हैं चावल से। हम गैस पर कढ़ाही चढ़ा लिए हैं। कोई भी पैन लीजिएगा, चाहे कढ़ाही भारी तल के थोड़ा लीजिएगा। तो दूध है यहीं पर हम आधा किलो, देखिए पूरा आधा लीटर है दूध हमारा, यहीं पर डाल लेते हैं। इसको डाल कर गरम कर लेते हैं दूध को। दूध में एक उबाल आ गया है अच्छे से। अब जो चावल है उसको हम इसमें डाल लेते हैं। चावल को बढ़िया से डालकर इसको चलाते रहेंगे। इसको थोड़ा सा इसमें 1-2 इलायची कूट के डाल लेते हैं। हम डाल लेते हैं इलायची कूटा हुआ, डालकर इसको बढ़िया से चलाते हुए मिक्स कर लेते हैं। इसको पूरा नहीं पकाना है, थोड़ा सा, जैसे 4 भाग चावल है तो 4 भाग में से 3 भाग पक जाता है, 1 भाग थोड़ा सा रह जाता है, तभी इसको हम उतारेंगे। दिखा देंगे आपको हम कि बनाने में आसानी रहेगा। अब इसके 2-4 मिनट के लिए हम ढक लेते हैं, ढक कर पकाते हैं इसको। तब तक चाशनी तैयार कर लेते हैं। अब चाशनी बनाने के लिए लेते हैं पेन। पेन में डाल लेते हैं 1 कटोरी चीनी। इसी कटोरी से हम 2 कटोरी पानी ले लेते हैं। देखिए 1 कटोरी हो गया, 2 कटोरी हो गया। अब इसको बढ़िया से थोड़ा सा ही फ्लेम कर लेते हैं, चीनी को घुलने देते हैं। तब तक हम देख लेते हैं जो चावल दूध में डाले हैं उसको, इसको चेक कर लेते हैं। देखिए इसको चला लेते हैं बढ़िया से। चेक करते हैं इसको, हाथ से उठाते हैं एक चावल। ये देखिए पूरा 4 भाग में से 3 भाग पक गया है, अभी 1 भाग बाकी है। तो गैस को यहीं पर बंद कर लेते हैं। इसी में पूरा इसको ऐसा ऐसा पूरा मसल लेते हैं। तो ये देखिए इसको कुछ ऐसा कर लिए हैं। अब इसको हम नीचे उतार लेते हैं। उतार के इसको लंबा लंबा पीसस में तैयार कर लेते हैं, जैसे अंडा होता है वैसा ही। चाशनी भी हमारी तैयार हो गई है। अब इसको हम गैस को बंद कर लेते हैं। अब ले लेते हैं थोड़ा हाथ में तेल लगा कर अच्छे से हाथ मिला लेते हैं। इसको ऐसा ही देखिए पूरा ऐसा सेफ दे लेते हैं बढ़िया से। ये देखिए ऐसा ही बना लेते हैं पूरा। तरफ लेते हैं एक हम बर्तन में, तो पूरा ऐसा ही बना लेते हैं सभी को।
तो ये लीजिए दोस्तों, सारा मिठाई बना लिए। अब इसको हम क्या करेंगे, तेल में चाहे घी में इसको फ्राई कर लीजिए। तो आइए इसको हम फ्राई कर लेते हैं। गैस पर कढ़ाई रख कर तेल रख लिए थे, तेल बढ़िया से गर्म हो गया है। एक डाल कर देखते हैं पहले, देखिए अच्छे से गर्म हो गया है तेल। फटाफट यहीं पर हम सभी मिठाइयों को डाल लेते हैं, डाल कर इसको फ्राई कर लेते हैं। अब इसको सुनहरा होने तक पूरा ऐसा देखिए उलट पलट करके इसको बढ़िया से इसको पूरा फ्राई कर लेते हैं अच्छे से। यकीन मानिएगा दोस्तों, ये बहुत फेमस रेसिपी है, झारखंड के रेसिपी है दुधिया मिठाई, बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पर जाएंगे तो पूछेंगे कि दुधिया मिठाई मुझे बताइए, तो दुकान वाला लोग के देंगे। तो अच्छे से इसको कर लेते हैं बढ़िया से सुनहरा गोल्डन होने तक फ्राई। तो ये लीजिए कितना बढ़िया सुनहरा हो गया। अब इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। ये देखिए दिखा देते हैं आपको हम पास, ये देखिए दिख रहे हैं कितना अच्छा दिख रहा है। ले लेते हैं एक बर्तन में, दूसरा ऐसा ही डाल लेते हैं, डाल कर फटाफट इसको भी कर लेते हैं हम फ्राई। तो ये लीजिए दूसरा भी डाल लिए। अब इसको भी अच्छे से वैसा ही गोल्डन सुनहरा होने देते हैं। ऐसा देखिए ऐसा घुमा घुमा कर इसको चला लेना है, बस हिसाब से कि जो ये मिठाइयाँ है ये कलछी से ला के कटे नहीं। तो ये लीजिए भी तैयार हो गया, निकाल लेते हैं इसको भी। अब फटाफट डाल लेते हैं इसको चाशनी के अंदर, देखिए पूरा डाल लेते हैं। पूरा डाल लिए, चाशनी में ऐसा ही छोड़ देते हैं पूरा आधा घंटा के लिए, ढक लेते हैं, ढक कर छोड़ते हैं इसको। तो पूरा 30 मिनट बाद इसको हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया से ये फूल गया है, जूसी हो गया है पूरा। आपको एक हम प्लेट में निकाल कर दिखा देते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारा दुधिया मिठाई बन कर तैयार है। ये देखिए, ये लीजिए, तो ये लीजिए हमारा पूरा तैयार है दुधिया मिठाई। आपको एक हम काट के दिखाते हैं तोड़ के। तो ये देखिए आपको हम काट के दिखाते हैं, ये देखिए कितना बढ़िया सॉफ्ट नरम पूरा बन कर तैयार हुआ है दुधिया मिठाई, पूछिए मत। तो ये लीजिए हमारा दुधिया मिठाई पूरा बन कर तैयार है। ये देखिए खाएंगे तो खाते रह जाएंगे, खाते मुंह में ये घुल जाती है दुधिया मिठाई। तो और आपको हम पास से दिखा देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा दिख रहा है, दिख रहे होंगे कितना बढ़िया दिख रहा है। अगर दोस्तों ये दुधिया मिठाई की रेसिपी आप लोग के अच्छी लगती होंगी तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अपना प्यारा प्यारा हाथों से हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि दुधिया मिठाई की रेसिपी आप लोग के कैसी लगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।